बात ये करेंगे कि बाइक फील कैसी होती है, चलाने में कैसी है, हिमालयन से कहाँ कहाँ पे अलग है, किन लोगों के लिए है। लो जी, नया एंगल है गोप्रो का, ये भी चेक कर लूँ। अभी मैंने इसको ऊपर माउंट करा थोड़ा, तो देखता हूँ अगर ये सेटिंग बैठ गई ना तो ये काफ़ी सही है। इसमें से मेरे को दिख भी रहा है कि गोप्रो ऑन है कि नहीं है, क्योंकि कई बार हाई स्पीड पे जाओ तो इसको ऑन करो तो बीप सुननी पड़ती है, हाई स्पीड पे बीप सुनती नहीं है तो पता ही नहीं लगता ऑन है कि नहीं है। तो कई बार ऐसे हुआ है, फिर मेरे को ऐसे करके देखना पड़ता है बत्ती जग रही है कि नहीं जग रही। तो देखते यार इसकी सेटिंग बना के, और सेटिंग बनाने का मतलब है कि यार और बेटर क्वालिटी कर रहा हूँ अभी मैं व्लॉग्स की और आने वाले हैं आगे। तो जी मैं जा रहा हूँ रॉयल इनफील्ड, और रॉयल इनफील्ड जा रहा हूँ नई बाइक की टेस्ट ड्राइव करने, गोरिल्ला, जो कि 450 प्लेटफॉर्म पे आई है। तो चला के देखते हैं यार कैसी है बाइक, ऑल दो रोडस्टर है वो, बट स्टिल चला के तो देखें क्या है उसमें, क्या चेंजेस हैं हिमालयन से। तो ठीक है यार, जो नेक्स्ट फुटेज है आपको गोरिल्ला पे मिलेगा अभी। लो जी गोरिल्ला पे बैठ गए, गोरिल्ला पे, पर पानी इतना है, ओ भाई साहब शूज ना गीले हो जाएं। नाइस। सो ये बाइक है यार हिमालयन से 11 किलो हल्की है, और वो पता लग रहा है बहुत ही एजाइल है, और इसका पोस्चर भी, सिटिंग पोस्चर भी वैसा है, ब्रेकिंग भी अच्छी है, इट इज़ नॉट वेरी अब्रप्ट और शार्प। बट सेम चीज़ 3000 के नीचे थोड़ी डल है समहाउ, मेरे को इसका क्लच हिमालयन से लाइट लग रहा है थोड़ा। अच्छा इसमें ये भी है क्या, ये अपने आप से ब्लैक हो गया जब मैं उसके नीचे निकला मेट्रो ब्रिज के नीचे। बाकी ये कंसोल तो सेम ही है हिमालयन जैसा ही है, हर चीज़ वही है। बाकी इसमें है कि आपका रियर एबीएस स्विचेबल नहीं है, डुअल चैनल एबीएस तो है ही है, बट यू कैन नॉट स्विच द रियर वन ऑफ, जो हिमालयन में आप कर सकते हो। तो बेसिकली यार सेम इंजन है, 40 bhp 40 nm टॉर्क, तो स्टार्ट्स तो सेम ही है, ऑन पेपर सब कुछ सेम ही है इसका, तो उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और वो हर चीज़ ऑनलाइन पता भी लग जाती है उसमें, आप देख लो। बात ये करेंगे कि बाइक फील कैसी होती है, चलाने में कैसी है, हिमालयन से कहाँ कहाँ पे अलग है, किन लोगों के लिए है। सो दिस इज़ बेसिकली अ रोडस्टर बाइक, आपका डेली कम्यूट, ऑफिस आना जाना, शॉर्ट रन्स, छोटी राइड्स, इन सब चीज़ों के लिए है। बाकी ले जाने को आप कहीं पे भी ले जाओ, अगर मैं सुपर मीटी और एक क्रूज़र स्पीति और ये सब जगहों में ले जा सकता हूँ तो इसको भी आप आराम से ले जा सकते हो, बट अगेन द सेम थिंग, इट इज़ नॉट मेड फॉर दैट, उसके लिए हिमालयन है। इसका सस्पेंशन ट्रैवल काफ़ी कम है, 150 फ्रंट और पीछे वाले में 140। USB चार्जर ये क्यों निकला हुआ है, इसके अंदर होगा कहीं, जो कि यहाँ पे निकल गया अभी। फ्यूल टैंक इसका 11 लीटर का है, छोटा है काफ़ी, हिमालयन का तो अच्छा खासा, आई थिंक 16 के 17 लीटर का है, आई एम नॉट श्योर। ये स्विच गियर तो वैसा ही है, बिल्कुल उसके जैसा ही है, हिमालयन जैसा ही है सारा। चलो भाई साहब बहुत ही डल है लो एंड पे, तो आपको रेव्स बनाने पड़ते हैं इसको चलाने के लिए, उठाने के लिए, लाइक ये देखो मरी गई, मरी गई है, अब निकली है। सो बियॉन्ड 3000 इट इज़ गुड, और उसके नीचे तो यार मेरे को कुछ पता नहीं, आई डोंट नो इफ रॉयल इनफील्ड हैज चेंज द स्टेट ऑफ ट्यून या गियरिंग का फ़र्क है, क्योंकि हिमालयन ऐसी फील नहीं होती,
ये लो आरपीएम पे बहुत ज़्यादा डल है। बट एक चीज़ है, फन फैक्टर है इसमें, टायर की ग्रिप सही है। अभी मैं ज़्यादा नहीं कुछ कर पाया, लटा लटू नहीं पाया इसको, क्योंकि सड़कें बिल्कुल गीली हैं। अभी फालतू पंगा नहीं लेना, मैं आगे अगर सड़क अच्छी मिलती है तो वहाँ पे चेक करेंगे। बट ग्रिप हो भी क्यों ना यार, फ्रंट इज़ लाइक 120 और रियर का टायर इज़ 160, बोथ 17 इंचर्स। और ये टायर साइज इंडिया में और कोई बाइक में नहीं आता, दिस इज़ दी वाइडेस्ट टायर साइज़। और आरी ने बनाया भाई ये पहली बाइक में ही, और किसी बाइक में नहीं आता इतना चौड़ा टायर। लाइट वेट का तो समझ में आ रहा है यार। और फर्स्ट गियर में इशू दे रही है, मैं बात करूंगा सर्विस सेंटर पे, क्या या मेरे को ही लग रहा है या इसका स्टेट ऑफ ट्यून ऐसा है। थोड़ा हाफ क्लचिंग करके चलानी पड़ती है लो आरपीएम पे। बाकी इसका जो रेयर स्प्रॉकेट है बेसिकली वो उसमें 2 टीथ ज़्यादा हैं हिमालयन से। ठीक है, सस्पेंशन इज फाइन, नॉट एज प्लश एज हिमालयन, बट ठीक है। सो हाँ, मैं स्प्रॉकेट की बात कर रहा था, स्प्रॉकेट इसका बड़ा है, सो विच शुड एक्चुअली मीन के इसका एक्सेलरेशन अच्छा होना चाहिए। बट देन अगेन इसके टायर साइज छोटा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल गियरिंग मेरे ख्याल से इसकी हिमालयन के नियर अबाउट ही है, वैसा ही चलना चाहिए इसको। ₹6,000 के बाद वाइब्रेशंस हैं जो कि आपको सैडल पे फील होती हैं, बट हैंडलिंग इज सुपर गुड, इट्स सुपर नाइस। ब्रेकिंग भी बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छे से हैंडल करता है यार ये बाइक, ये चीज़ तो है, एंड इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। स्पीड का पता ही नहीं लगा इसमें, 90 कब टच कर लिया। यार हैंडलिंग तो इसकी बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और टायर जो वाइड दे रखे हैं, मतलब पता लग रहा है बाइक के चलने में कि अच्छी ग्रिप आ रही है आगे और पीछे दोनों तरफ से। बाकी इसकी इसमें क्या क्या चीज़ें और चेंज हैं वो मैं रुक के कहीं पे बाइक का शूट करूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसमें उससे क्या डिफरेंस है। बहुत अच्छी ग्रिप है, मज़ा आ रहा है। सो दिस इज़ अ फन बाइक। अब मैं यही काम अपनी बाइक पे करूँगा, मेरे को थोड़ा डर लगता है क्योंकि उसका वेट भी बहुत है। आप कहीं लेट हो रहे हो, आपको फटाफट पहुँचना, ये बाइक आपको पहुँचा देगी। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत तेज़ चलाओ, बट ये है कि आपके कंट्रोल में रहती है बाइक। अभी मेरे को कितना टाइम हुआ इसको पकड़े हुए, 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे। ब्रेकिंग भी अच्छी है, बट समहाउ वाइब्रेशंस हैं यार इसमें। 5,000 के बाद भी आपको मेरे को फुटपैक पे भी आ रहे हैं, हैंडल बार में भी आ रहे हैं, वाइब्रेशंस आर देयर।
बट अच्छा क्विक है बाइक यार ये, इट्स अ फन बाइक, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि है ये, ड्रॉप अ गियर एंड यू आर इन पावर रेंज और भगा दो। कहाँ मार खाएगा, यहाँ मार खाएगा, लो एंड टॉर्क, लो सेकेंड गियर ऑनवर्ड्स, ये 3000 के बाद तो भाई गोली है। गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है, बस यार एक तो ये दिक्कत है ना, ये बटन्स की क्वालिटी नहीं अच्छी करते आरी वाले। ऑफ कोर्स पार्ट शेयरिंग है जो कि होनी भी चाहिए, कि अगर आपको प्रोडक्ट कॉस्ट कम रखनी है तो पार्ट शेयरिंग तो होगी होगी, क्योंकि एक एक पार्ट डेवलप करने में, एक मॉड्यूल डेवलप करने में बहुत पैसा लगता है, मेरे को पता है, और डेवलपमेंट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो ऑफ कोर्स यू विल सी अ लॉट ऑफ पार्ट शेयरिंग इन आरी के बाइक्स, और जो अपकमिंग आने वाले हैं उनमें भी आपको काफ़ी पार्ट शेयरिंग दिखेगी। सो इसका टॉर्क बिल्डअप होता है मिड रेंज में आके, तो अगर आप कहीं स्टीप चढ़ाई पे भी हो, सेम गोज़ फॉर हिमालयन, सेम कैरेक्टरिस्टिक है, आपको चढ़ना है तो अपने रेव्स थोड़े बिल्डअप कर लो, बाइक विल नॉट गिव अप, बट अगर आप कहीं लो रेव्स पे आ गए हो तो भाई फिर चांसेस हैं कि स्टॉल कर जाएगा बाइक, तो उससे बेटर यही है कि आप पहले रेव्स बना लो। अनलाइक जो पहले वाले यूसी इंजन वाले बाइक हैं, उनके उनका लो एंड अच्छा है, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइक मैं थंडरबर्ड 500 या अभी जो भी 350 चल रहे हैं, तो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है तो उसकी जो टॉर्क है वो लो रेव्स पे रहती है और अच्छी रहती है। सो दिस इज़ अ स्क्वायर टाइप ऑफ इंजन, तो तभी मतलब इतना टॉर्क और पावर ये निकाल रहा है 450 होते हुए भी। प्लस ऑफ कोर्स लिक्विड कूल्ड वाला फैक्टर तो है ही है। टूरिंग वगैरह कर सकते हैं यार इस पर भी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये नहीं कि टूरिंग ओरिएंटेड नहीं है, आई फील आराम से इस पर भी टूर कर सकते हो आप, उतने कंफर्टेबल नहीं रहोगे जितने हिमालयन पे हो। हाँ ट्रेल पे नहीं ले जा सकते, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग ज़रूर कर लेगा, ट्रेल पे ले जाओगे तो बजेगा ये कहीं ना कहीं, मतलब जो हार्ड कोर ट्रेल राइड होती हैं। काउंटर स्टीयरिंग भी अच्छा चलता है इसका। ओहो ये इशू है भाई, ये किसमें है अभी देखना, सीधी रोड पे इसका हैंडल छोड़ूंगा, इट पुल्स टुवर्ड्स राइट। अभी फिर से चेक करते हैं, 60 की स्पीड है, सीधा है स्ट्रेच, राइट को जाता है भाई ये, तो ये इशू हिमालयन में भी है, मतलब पता नहीं अभी स्टीयरिंग का प्रॉब्लम है या क्या इशू है, बट सेम थिंग हैज़ बिन ट्रांसफर टू दिस पर्टिकुलर बाइक। बट हाँ अगर किसी और ने भी चलाया या टेस्ट ड्राइव करी है और उसने सेम चीज़ फील करी है कि राइट को पुल करता है, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना, इट विल रीअफर्म मी कि हाँ ऐसा है, मुझे ही नहीं लग रहा। अच्छा ट्रैफिक में निकलना है इसके लिए बड़ा इजी है, जहाँ मर्जी से छोटा सा है निकाल लो बीच में से। बट हाँ टूरिंग में एक इशू आएगा, इशू कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसका फ्यूल टैंक बहुत छोटा है, बट फिर भी आपको टैंक रेंज अराउंड 300 किलोमीटर की तो आराम से देगा, 30 की एवरेज भी मान लो इससे ज़्यादा ही निकलेगी, तो 300 किलोमीटर इज़ गुड इनफ यार, इवन पहाड़ों पे भी, रिमोट एरियाज पे भी 300 किलोमीटर बढ़िया है। तो जी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रियर, टायर तो आपको दिख ही रहा है 160 सेक्शन, बहुत ही चंकी टायर है, 17 इंच रिम है इसका, सीएट के टायर्स हैं, एग्जॉस्ट जो है वो सेम डिज़ाइन का है जो हिमालयन का है, आई थिंक एंड कैन होगा भी सेम,
देन यू कैन सी द मोनोशॉक, सेम हिमालयन वाला सिस्टम ही है। स्विंग आर्म रियर एंड बाइक का थोड़ा चेंज है हिमालयन से, स्विंग आर्म इसकी डिफरेंट है। देन कमिंग टू द इंजन, सेम 450 सीसी शेरपा रॉयल एनफील्ड इंजन। और यहाँ से अगर देखा जाए फ्रंट वाली साइड भी, तो इंजन भी यहीं से माउंटेड है, यहाँ से इस फ्रेम के बाद नहीं है। सो सेम फ्रेम हिमालयन जैसा। देन द फ्रंट 120 सेक्शन टायर 17 इंच। अभी एक चीज़ देखी कि हाई स्पीड रन्स अगर कर रहे हैं तो पानी या कीचड़ उठा के ही ऊपर मारेगा, जो कि यहाँ पे करा भी है। तो अगर हल्की हल्की बारिश में भी आप हाईवे पे चल रहे हो, सो एक्सपेक्ट के आपके ऊपर कीचड़ के निशान आएंगे। प्लस अच्छा खासा मैं लटा के ला रहा हूँ बाइक को, बट ग्रिप अच्छी है टायर्स की। अगर आप इस पर और रोड ओरिएंटेड टायर डाल दो तो ग्रिप और अच्छी हो जाएगी। सो दिस कम्स इन 5 डिफरेंट कलर्स, गोल्डन रेड है, इसको कुछ और टर्म नाम देते होंगे आरी वाले, क्या बोलते हैं इसको। तो 5 कलर आते हैं इसमें। टैंक का शेप कुछ ऐसा है, इस तरफ से अगर आप देखो 11 लीटर का फ्यूल टैंक है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक नॉट USD और 150 mm इसका ट्रैवल है। सो हिमालयन का आई थिंक 210 है, बहुत फ़र्क है, और उसका USD है। बट इसका पूरा फॉर्म फैक्टर देखो, यहाँ से ये बाइक इस एंगल पे अगर आप देखो तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सी दिखती है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि व्हील बेस इसका बहुत छोटा है, व्हील बेस इतना भी छोटा नहीं है। सो अगर आप थोड़ी बहुत इसको ऑफ रोडिंग करते हो, अभी इस पर सैडलिंग करके देखता हूँ, मैं अभी तक सैडल नहीं करा, तो पीछे से आप इसकी टेल फ्लिक कर सकते हो। ये देखो जो चीज़ मैं बोल रहा था, स्टॉल करती है। अब मेरे को इतने रिव्स बना के रखने पड़ेंगे। सैडलिंग के लिए भी सही है, फुटपेक्स की पोजीशन सही है, ऑल्दो थोड़ा सा आप आगे को झुके हुए रहते हो ड्यू टू द डिज़ाइन ऑफ द बाइक, बट हाँ कहीं अगर करनी पड़े सैडलिंग तो आप आराम से कर सकते हो। ट्रैफिक में भी यार अच्छा हैंडल करता है बाइक, वहीं आपको ऐसा नहीं लगता, डर नहीं लगता। मैं इतनी स्पीड पे 650 को जब मैन्यूवर करता हूँ ना, तो फिर डर लगता है उस पर। तो यार मेरे हिसाब से ये बाइक उन लोगों के लिए जिन्होंने रोज सिटी में चलाना है, ऑफिस आना जाना है, ओकेजनल छोटी राइड्स करनी है, कैफे रन्स करने हैं, या क्या लोगे 100-150 किलोमीटर की राइड हो गई, तो उसके लिए बहुत बढ़िया बाइक है। टर्निंग रेडियस अच्छा है, आराम से आप इसको शहर में घुमा सकते हो। तो बेसिकली अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ, ये बड़ा हंटर है। तो वो 350 है, 450 है, बट बहुत फ़र्क है पावर में, डबल का ही फ़र्क है। और इसका वेट और हल्का होना चाहिए था। आई डोंट नो हाउ KTM डिज़ाइन देयर बाइक्स, बट इतना हल्का वेट रख देते हैं यार वो, उनका ADB बहुत हल्का है।
आरी के बाइक्स बहुत भारी हैं अभी भी, मतलब इफ दे आर कम्पीटिंग या इस लीग में आ रहे हैं वो, तो थोड़ा सा वेट रिडक्शन और करना चाहिए। हिमालयन तो चलो समझ में आता है, फ्रेम्स एंड ऑल सब कुछ उसमें लगा हुआ है यहाँ पे टैंक पे, तो उसका वेट हो गई। येट वेरी वेल कंट्रोल्ड, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया आरी ने, बट इसमें ये 10 किलो हल्का है 11 किलो से। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग के 15-18 किलो तो हल्का होना चाहिए ये बाइक उससे। चलो पहुँच गए जी। सो आई गॉट दिस बाइक फ्रॉम आर्यवीर मोटर्स फरीदाबाद। सो यहाँ पे जो हर टाइम पे मेरे को बाइक यार कोई सी भी चाहिए हो, टेस्ट ड्राइव चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, फटाक से मिल जाती है। रियली कोऑपरेटिव, हर चीज़ में बहुत कोऑपरेट करते हैं। और यहीं से मैंने अपना बाइक ख़रीदा था। तो चलो यार बाकी वर्डिक्ट एक और मैं आपको बाद में दूंगा, फ़िलहाल इसको बंद करते हैं, चाबी हैंड ओवर करते हैं। यार अभी जाएंगे इधर से, यहाँ पे बहुत पानी था। उसके बाद ये चला रहा हूँ ना, इतना रिफाइंड लग रहा है ना, वाइब्रेशन वाइब्रेशन कोई फील नहीं हो रही। ओहो बैकफायर, पटाके डीबी किलर लगा ही लूँ यार अभी मैं ना, बहुत दिनों से मज़े ले लिए डीबी किलर निकाल के। सो फाइनली बाइक की राइड कर ली है, टेस्ट ड्राइव हो गई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत डिटेल्ड रिव्यू था, बस एक ओवरव्यू था कि बाइक कैसी चलती है और हिमालयन 450 से इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने वीडियो में देख ही ली होंगी। बाकी एक पॉइंट जो रह गया था, जो मेरे को लग रहा था आई मिस्ड आउट, वॉज के जो शॉर्ट राइडर्स हैं जिनकी हाइट कम है, ये बाइक वो भी बहुत मज़े से चला लेंगे। सैडल हाइट लो है और द वेट हैंडल्स तो शॉर्ट राइडर्स के लिए ऑल्दो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब आई एम अराउंड 6 मतलब 5'11" है मेरी हाइट, तो मेरे को ऐसा लग रहा था क्योंकि जो फुटपैक्स की पोजीशन है थोड़ी पीछे को है बाइक के फ्रेम के हिसाब से, तो मेरे को थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने में टाइम लगा और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी हाइट के हिसाब से बाइक थोड़ी छोटी है। अब अगर यही मैं हिमालयन चलाऊंगा तो मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। सो जिनकी हाइट थोड़ी कम है तो वो लोग तो बिल्कुल इसको प्रेफर कर सकते हैं। बाकी यार बस यही था एक छोटा सा रिव्यू ओवरव्यू। बाकी डिटेल में भी अगर अपने किसी बंदे के पास आएगी बाइक तो फिर अगर कोई राइड पे भी साथ में चलता है तो देखते हैं तब इसका क्या सीन रहता है, एवरेज लॉन्ग टर्म यूजेज, तो अगर वो हुआ ऐसा तो वो ज़रूर बताऊँगा। बाकी हिमालयन 450 का मैं अभी बताऊँगा कार्तिक भाई के बाइक का, कि कोई दिक्कत परेशानी आई या लॉन्ग रन में कैसी चल रही है, ये सारी चीज़ें उस व्लॉग में कवर करेंगे। ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे क्लोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, और डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू ऑल किसी और वीडियो में, एंड टिल देन टेक केयर, रब रखा।